what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप में फिर से आपका वेलकम. आज जो है हम लोग माजदा की CX60 टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं. लास्ट व्लॉग में जो था वो टेस्ला का हमने टेस्ट ड्राइव किया था, जो कि बहुत अमेजिंग था. ये वाली जो गाड़ी है ये दीपक की प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 थी. मुझे नहीं पता था, ऑफकोर्स गाड़ियों का ज्ञान ज़्यादा है नहीं, तो दीपक ज़्यादा डिटेल्स में बताएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं और इसका मतलब बाकी सारी ही चीज़ें जो है वो दीपक बताएगा. बट मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंफर्ट, गाड़ी का कंफर्ट कैसा है. ऑफ़ कोर्स प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए, बट आई गॉट टू नो कि ये वाली गाड़ी जो है वो टेस्ला से ज़्यादा महंगी, जो हमने लास्ट टाइम जो ड्राइव करी थी. तो वो जो प्राइसिंग वगैरह है वो हम आपको बताते हैं. बट ये जो है ये हाइब्रिड गाड़ी है जो हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं. 50 किलोमीटर कुछ की रेंज है. लेट्स सी कैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है. द इम्पॉर्टेंट इज़ ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स द इंटीरियर एंड अंदर कितनी कंफर्टेबल है बैठने के बाद. सो ये जो गाड़ी है ये हमें टेस्ट ड्राइव पे मिली है अराउंड 60 मिनट्स का. स्टार्ट कर दिए. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. और बैक तो सही, वो लग्जरी वाला फील आ रहा है बहुत. ये इन्होंने किया लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है ये इनकी. मजा आ रहा है. तारा भी आज सो चुकी है इसलिए मैं आगे वाली सीट पे हूँ. इसमें मेमोरी फंक्शन ऐसा है कि आप अपनी प्रोफाइल सेट कर दो, स्टीयरिंग, सीट, मिरर, सब कुछ. फिर जब गाड़ी में बैठोगे तो दो हैं, एक तो आप मैनुअली इसको सेट कर सकते हो कि सुरभि बैठी है तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी. एक वो है फेस डिटेक्शन वाला कैमरा, उसके थ्रू अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी सीट पोजीशन डिटेक्ट कर लेता है. एंड दैट वाज द ऑसम फीचर जो मुझे लगा कि आपको अपने मिरर सेट नहीं करने, आपको अपनी सीट सेट नहीं करनी, सब कुछ आपकी हाइट के हिसाब से या आपने जो भी डिटेल्स डाली है उसके हिसाब से हो जाएगा. मैं क्विकली बता देती हूँ जो चीज़ मैंने नोटिस करी. दिस पर्टिकुलर पैनल जो है ये काफ़ी ज़्यादा आई गेस कंफर्टेबल है. एंड देन दूसरी चीज़ यहाँ पर स्क्रीन है. ये सब चीज़ें जो है दीपक ने अपना हाइट सेट किया तो ऑटोमेटिकली सीट एडजस्ट हो गई. ये स्टीयरिंग जो है वो भी एडजस्ट हो गया. और भी मिरर्स एडजस्ट हुए थे, और भी कुछ एडजस्ट हुआ था. स्टीयरिंग, सीट और मिरर्स, हाँ ये तीनों चीज़ें हो गई थी. इस पे आपने अपनी लोकेशन वगैरह, बाकी नेविगेशन, कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, 360 कैमरा, वो सब कुछ जो है वो इसमें है. मतलब इस स्क्रीन में आपको दिखता है. एंड देन नीचे म्यूजिक सिस्टम, साउंड और जो भी सारी चीज़ें होती हैं दीपक कैन टेल यू मच बेटर. और इसमें मतलब मिरर में तुम्हें दिखेगा जब भी गाड़ी लाइट होगी ना. हाँ, ये तो आजकल सारी गाड़ियों में ही है. वो देखो लाइट ऑन होगी, सेंसर्स करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट सेंसर है, मतलब जो साइड से गाड़ी आ रही होती है ना हमें दिखती नहीं है. हाँ हाँ, मिरर में सेंसर आपको दिखा जो वो येलो कलर का दिख रहा है. ट्रैफिक में फंस गए बट गाड़ी इतनी अच्छी लग रही है कि हाँ कंफर्टेबल लग रहा है ना, स्ट्रेसफुल नहीं है. अदर फीचर, दीपक ने सीट पे हवा चढ़वा दी. मतलब फैन अभी गर्मी है तो दीपक इज लाइक कि हवा आई. हाँ भाई आई आई. सीट में हीटिंग भी रहती है तो सीट में कूलिंग भी है. हाँ एक्चुअली ऐसे नीचे से हवा आ रही है, बैक से भी तो आ रही है. बैक से भी आ रही है. हाँ ऐसा लग रहा है एकदम से वो वेंटिलेशन हो गया गाड़ी में भयंकर तेजी से. लग रही है मुझे गाड़ी बाहर से भी मतलब बड़ी अच्छी सी, बड़ी सी लग्जरी सी लगती है. बस मुझे इस गाड़ी में एक ही चीज अच्छी नहीं लगती. What? इनका लोगो माज़दा का. क्यों? मतलब ऐसा नॉर्मल सा है लोगो. अच्छा. थोड़ा अच्छा क्लासी सा होना चाहिए था.
आई थिंक ब्रांड पे देखा जाए तो ब्रांड इज जस्ट अ ब्रांड. जापानीज कार है ये भाई. जापानीज कार है और हम लोग ऑलरेडी जापानीज कार जो है वो चला रहे हैं. कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 4 साल से चला रहे हैं. अपन हमेशा से चला रहा है. इंडिया में भी उस मारुति सुजुकी जापानीज ही थी वो. हाँ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई. अच्छी गाड़ी है, मतलब हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी है. तो यार तभी तो उसको इंटरेस्ट आया कि अच्छा ये भी जापानीज वो भी जापानीज, कह रहा हम खरीद लेंगे. वैसे तो वो कोई सी भी खरीद लेते हैं वो लोग. तो ब्रांड इज जस्ट अ ब्रांड. ऑफ कोर्स मेरा भी ऐसा था कि दीपक प्लीज BMW ऑडी मर्सिडीज में से ही एक लेना. उनसे महंगी गाड़ी है. हाँ, और हाँ एक चीज़ और मैंने मतलब नोटिस करी कि ये जो गाड़ी है ये हमने टेस्ला जो पिछली बार जो टेस्ट ड्राइव ली थी उससे काफ़ी महंगी है. अभी ऑप्शंस क्या हैं इनके वो तो बाद में देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं फाइनेंसिंग के, पर उससे महंगी गाड़ी है. बट इवन जो BMW X1 देख रहे हैं अपन, Audi की Q3 देख रहे हैं, उनसे महंगी गाड़ी है ये. टेस्ला जितनी पावर से भग रही है. नहीं, जो पावर है उतनी नहीं होती क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कार्स में आपको जो सडन पावर मिलती है वो बहुत ज़्यादा रहती है. लैग नहीं होता उसमें इंजन का. उसमें उतनी पावर नहीं है पर मतलब ऑब्वियसली स्पीड तो इसकी भी अच्छी खासी है. अब इसमें स्पोर्ट मोड है. कहाँ से किया है स्पोर्ट मोड? ओके, सो ये ड्राइव में और नॉर्मल मोड है. अभी नॉर्मल मोड में देखो ऐसा दिख रहा है डिस्प्ले. हाँ, स्पोर्ट्स मोड में चेंज हो जाएगा. हाँ, रेड स्पोर्ट्स कार वाला. Is the feeling? Feeling is good. Reverse में करके बस पीछे park करो. ये camera दिख रहा है? हाँ हाँ. Camera में दिख ही रहा है आपको? Camera दिखाता रहेगा. Mazda की luxury segment की car है जो इन्होंने launch की है. काफी बड़ी SUV है यूरोप के हिसाब से इनकी. और जापानीज़ कार है सबसे अच्छी बात तो नो डाउट इंजन क्वालिटी, इसमें कोई वो डाउट नहीं रहेगा. इंटीरियर बहुत अच्छा है, स्पेशियस गाड़ी बनाई है, सीटिंग कंफर्ट सब कुछ बहुत अच्छा है. तो जितनी भी अभी ड्राइव की उस हिसाब से तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे. फीचर्स बहुत हैं ऑब्वियसली, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, आपका मेमोरी फंक्शन जैसे सुरभि ने बताया, वाइपर क्लीनिंग, ऑटोमेटिक आपका हेडलाइट क्लीनिंग, वो सब चीज़ें हैं. और प्लग इन हाइब्रिड है, 65 किलोमीटर कुछ रेंज है 1 फुल चार्ज में. सबसे बड़ी बात SUV है, तो मिड साइज कहने को मिड साइज है लेकिन काफी बड़ी SUV है. काफी काफी बड़ी है, आपको दिख रहा होगा. सो ये हमें बहुत अच्छी चीज लगी. टायर्स भी अच्छे लग रहे हैं ना. 360 डिग्री का हम व्यू दिखा देते हैं. ये देखो इंटीरियर इसका कुछ और अच्छा है दीपक, बट जो हम बाय करेंगे उसका रूफ टॉप जो है, हाँ, पैनोरामिक रूफ है ऊपर. थोड़ा प्राइस और बता दो फिर फाइनेंसिंग ऑप्शंस तो वो उनसे पहले डिटेल लेके जब बताएंगे. बट इसका जो वो है वो एप्रोक्सीमेट 55,000 है कुछ इसका. डिपेंड्स कि आप हाइब्रिड देख रहे हो पेट्रोल या डीजल, उसके हिसाब से प्राइस डिफरेंट डिफर करता है. फिर बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिगर करते हैं ना आप, ब्लैक अलॉय व्हील कितने इंच के लेने हैं, पैनोरामिक रूफ, उसके हिसाब से प्राइस बढ़ता चला जाता है जो हम उनको. तो अभी हम चलो फिर से ड्राइव करते हैं ऑटोबान पे, अंदर चलते हैं. थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ. मैं अभी आगे वाली सीट पे बैठी थी जो तो ऑफ कोर्स कंफर्टेबल थी, एंड बैक सीट इज आल्सो कंफर्टेबल. तो ये है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर इसका, जिस पे मैंने अभी गाड़ी डाली है. और इसमें आपको थारा चिल्ला रही है हमारी. एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में एक्चुअली क्रूज कंट्रोल से बेटर रहता है यार, और लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत बेटर है. तो आराम से आप बैठो. लाइन असिस्ट भी है इसमें, लेन असिस्ट लाइन कह रहा हूँ. बस लंबी ड्राइव पे आप ऐसे बैठ के अपने चर्चा में रहिए लीन. समथिंग टू डू विद दिस ऑटो पायलट और ये सेम ही चीज़ होती है क्या दीपू? ऑटो पायलट नहीं सुरभि, ऑटो पायलट डिफरेंट होता है. ऑटो पायलट में गाड़ी अपने आप मतलब मैन्यूवर होती है. स्टीयरिंग स्टीयरिंग ये सब चीज़ें. इसमें सिर्फ एक ही लेन पे रहेगी. हाँ, इसमें आपकी एक लेन में चलती रहेगी. और स्पीड कंट्रोल कम ज्यादा डिपेंड डिपेंडिंग सामने वाली गाड़ी से.
जब इसको 180 के ऊपर ले जा रहा है ना, तो थोड़ी सी मुझे स्मूथनेस में कमी दिख रही है गाड़ी में। क्या ओपिनियन है सुरभि? मैं तो बैठी हुई हूँ, बैठने में तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। पीछे कैसा लग रहा है? काफी कंफर्टेबल है, ऐसा लग रहा है और बड़ी जो अपनी गाड़ी है उससे हाँ। भी और बड़ी गाड़ी में बैठ गए। स्पेशियस है ना? हाँ, स्पेशियस इज द वर्ड राइट। इंटीरियर वगैरह पीछे से कैसा? बट हाउ अबाउट द फीचर्स एंड ऑल, फीचर वाइज तुम्हें कैसी लग रही है? व्हाट डू यू सी, मतलब तुम्हें जो इम्पोर्टेंट चीजें लगती है वो सब है इसमें? हाँ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल, हाँ वो सारी चीजें हैं। फीचर्स तो सारे ही है, मुझे एक दो गाड़ी और देखनी है, उनके हिसाब से फिर डिसाइड करूंगा। इधर जा रही थी गाड़ी, ये देखो अपने आप इधर ले, ये तो बहुत ही कूल है। फिर से करेगी ऐसा? मतलब अगर इस तरफ मुड़ रही होगी ना, जैसे इस तरफ मुड़ेगी अपने आप इधर आ जाएगी। अच्छा, ये लेन है, ये देखना। अभी नहीं कर रहा, अभी आगे गाड़ी है, खाली जगह होगी वहां करता हूँ। बस आपको हाथ रखना है आपका स्टेयरिंग पर। अगर ये उस तरफ हुई लेन के, तो ये अपने आप इस तरफ हो जाएगी। That what I got to know, जिस तरीके से उसने मूवमेंट किया था। ये अपने आप मुड़ रही है सर। दीपक क्या कर रहा है? अपने आप मुड़ रही है, मैं नहीं कर रहा। ये तो ऐसे झूला सी कर रही है। हाँ, तो वो मतलब थोड़ा हाथ स्टीयरिंग रखना पड़ता है। अब ये उसको असिस्ट करके चलती रहेगी सीधा सीधा, बस आपको अपना हाथ रखना है। और जब भी लेन से डाइवर्ट होगी तो वार्निंग दे देगी, टू 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 वार्निंग, इधर जा रही है। मैंने पहली बार ऐसी गाड़ी में बैठी हुई हूँ जो ऐसा कर रही है। ये तो आजकल खैर मैक्सिमम गाड़ियों में आने लगा है, पर हमारी गाड़ी में तो नहीं है। मस्त रहा है, गाड़ी तो बड़ी अच्छी है। काफी बड़ी सी है, हमें जो चाहिए, हमने मतलब दैट वन विथ लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक व्हील्स और वो सारा है, तो वही गाड़ी। यहाँ दीपक उनसे प्राइसिंग पूछ रहा है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो अब हम बात करते हैं फाइनल प्राइस की, इस गाड़ी का प्राइस क्या है। तो जो स्पेसिफिक एडिशन और मॉडल हमने चूज़ किया था वो अप्रॉक्सीमेटली हमें पड़ रहा था कुछ 65,000 यूरोस का। लेकिन जब हम वहाँ पर गए उनके स्टूडियो में और उनके शोरूम में, तो उन्होंने हमें कुछ डिस्काउंट दिया स्पेसिफिकली इस बंदे ने जिसके साथ हम थे, और वो डिस्काउंट के बाद जो गाड़ी पड़ेगी, जो फाइनल प्राइस होगा वो होगा 61,200 यूरोस। तो उसकी अगर मैं ईएमआई आपको बताऊं, तो 5 साल की ईएमआई उसकी बनती है कुछ 520 यूरोस की। उसके बाद 5 साल के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो फिर से आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी पे कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर जनरली ईएमआईज के लिए। तो देखते हैं, गाड़ी हाँ तो अच्छी लगी, थोड़ा बहुत 19-20 थी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, प्राइस भी ठीक है, सही है। और लेकिन हमारी लिस्ट में कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो आने वाले हैं, जो बहुत एक्साइटिंग गाड़ियां हैं। कुछ उनमें से एक तो ऐसी है जो मैक्सिमम लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो इंडिया में अभी तक नहीं है। तो वो गाड़ियां आने वाली हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और होपफुली शायद हम उस गाड़ी के लिए ही ट्राई करेंगे। हाँ, तो हमें माजदा इतनी अच्छी नहीं लगी जैसे दीपक ने बताया, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, पर एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं किसी चीज़ से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चकनाचूर हो जाती है, वैसे ही हुआ हमारे साथ। तो अब दीपक और मैंने, हम लोगों ने कुछ गाड़ियाँ जो हैं और भी हमने सिलेक्ट करी हैं, पर जर्मनी में हमें टेस्ट ड्राइव का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा डिसअपॉइंटिंग सा है। कायदे से देखा जाए तो आप अच्छी खासी अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो, लेकिन फिर भी बड़ा स्लो सिस्टम है यार। बट कुछ अच्छी गाड़ियां हैं, जैसे BMW हो गई, वो हमें टेस्ट करना है। दीपक ने एक ब्रांड बताया जो शायद आपको नहीं पता होगा, अगर आप गैस कर पा रहे होगे तो कमेंट करना। बट हाँ, वो गाड़ी हम दोनों को सबसे अच्छी लगी। हाँ। अभी टेस्ट ड्राइव के बाद और पता चलेगा कि उसके बाद भी हमें सबसे अच्छी लगती है या नहीं। बट आपका कौन सा फेवरेट गाड़ी का ब्रांड है, स्पेशली जर्मन ब्रांड जैसे BMW, Mercedes, Audi और कौन सी, Porsche?
पोर्शे तो महंगी है, फॉक्सवैगन है, फॉक्सवैगन है, स्कोडा है, एक्चुअली चेक की है पर आप फॉक्सवैगन ग्रुप का पार्ट है। तो ये सब जो है वो जर्मन कार्स हैं, तो ये सारे बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, तो इनमें से एक हम लेंगे या फिर हम किसी और ब्रांड की गाड़ी लेंगे वो आप लोग जरूर 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 गैस करना। और होप यू लाइक दिस वीडियो, और हम जब नेक्स्ट गाड़ी टेस्ट ड्राइव करेंगे तो भी हम वीडियो बनाएंगे। आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है सीरीज तो कमेंट करना, अच्छा लगेगा हमें, है ना, देख के। बाय बाय, सब्सक्राइब।